ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरुकुल ओडिशा रावरकला में आचार्य संजय। ये एक इंट्रोडक्शनल वीडियो है, ये विस्तार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बात का जरूर सभी मेरे प्यारे मकरू और कुंभ और मीन संजय साढ़े साथी के ऑन द फेस ऑन द बेस, एक मकर राशि के साथ एक बड़ा इवेंट अभी आने वाला 9 तारीख को होने जा रहा है, जिसमें एक तो चतुर्ग्रही योग रहेगा और साथ में अमावस्या रहेगा। और अमावस्या, जैसे आप जानते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के ऊपर और संक्रांति के ऊपर मैं आप लोगों को आगाह करते रहता हूँ, क्योंकि ये बड़े इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं हम लोगों के जीवन में और इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहता है और बड़े सारे परिवर्तन यहाँ बनाता है हमारे मानस पटल में और विश्व पटल में। ये कोई बड़ा बात नहीं है, आम बात है अमावस्या होना, संक्रांति होना, पूर्णिमा होना, लेकिन जब साढ़े साथी लगता है और गलत जगह में अमावस्या पूर्णिमा हो, जैसे 6-8-12 में, या फिर लग्न के ऊपर, मकर राशि मकर लग्न के ऊपर, अगला समय में कुंभ में होगा, अगला समय में मीन में होगा, लेकिन उस समय तो अलग में रहेगा, मतलब इट इज़ नॉट सो गुड साइन। शनि भी रहे, चंद्रमा भी रहे, सूर्य भी रहे, अमावस्या भी हो कुंभ के ऊपर, नॉट गुड साइन, मतलब वहाँ से बहुत कुछ शुरू होने वाला है, कुछ उड़ेगा, कुछ कष्ट होगा, कुछ धोखा होंगे। ऐसे ही राहु सूर्य चंद्रमा 3-3 ग्रह का युति, लेकिन मकर में अभी यहाँ अमावस्या का इफेक्ट विथ चतुर्ग्रही। देखो, चतुर्ग्रही इज़ वेरी गुड फॉर मेल कुंडली बट नॉट फॉर फीमेल कुंडली। महिलाओं का जिंदगी में मैं देखा हूँ चतुर्ग्रही योग है, वहाँ राजयोग नहीं बनता है, दुर्योग बन जाता है। ऐसा नहीं कि हर दिशा में बनता है, लेकिन कई सारे भी मतलब पर्टिकुलर पार्ट, जैसे अनकंट्रोल ऑफ माइंड, एक्सेसिव सेक्स और व्यभिचारिणी दोष, बिटपी दोष, सबको नहीं लगता है, लेकिन ओवरऑल देखा गया है कि ये कंडीशन बनता है। और भी बहुत सारे दुर्गुण दिखाई देते हैं, लेकिन उतना फायदा भी है उसका, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। लेकिन अभी मकर राशि के ऊपर जो ये अमावस्या होने जा रहा है और मात्र 6-7 दिन बाकी रह गया है, तो उसका प्री इफेक्ट अभी से कुछ ना कुछ लोगों के ऊपर आना चालू होगा। नहीं आता, लेकिन आएगा। हर चीज़ का बिफोर आफ्टर इफेक्ट रहता है, ऑन द टाइम इफेक्ट रहता है, खाली ऑन द टाइम नहीं देखना पड़ता है, उससे पहले भी। और जिस घर में इसका इफेक्ट होता है, तो जैसे जैसे चंद्रमा सूर्य के पास पास पहुंचने लगेंगे, ऐसे ऐसे एक प्रकार के कंप्रेशन प्रेशर जीवन में देखने में आएगा। तो यहाँ एक तरफ तो ग्रह युद्ध की स्थिति है, एग्जैक्ट स्थिति नहीं कहेंगे, आप सोचिए मंगल बुध में पटरी तो नहीं खाता है, ऊपर से शुक्र पीछे, धीरे धीरे वो भी क्रॉस ओवर करेंगे। सूर्य चंद्रमा मंगल बुध, बुध तो भागेंगे आगे शनि के पास, उनके दोस्त के पास जाएंगे, लेकिन इस समय इस अमावस्या के समय ये स्थिति रहेगा। तो उससे पहले और उसके बाद का इफेक्ट, मंगल घुस जाएगा तो बहुत 2 दिन बाकी रह गए, उसके बाद 2-4 दिन के बाद बुध आ जाएंगे, तो दोनों साथ साथ लगे हुए, तो एक प्रकार के ग्रह युद्ध जैसे कंडीशन। तो जिंदगी में भी इस प्रकार के, हालांकि बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं दिखाई देता, लेकिन जब साढ़े साथी होता है या एक निर्णायक कंडीशन में, इस प्रकार की युति और स्थिति बहुत सारे ट्रिगिंग कर देते हैं चीज़ों को। तो चलिए, चतुर्ग्रही योग में अमावस्या मेरा मेन फोकस है। अमावस्या में होता क्या है, सोचने समझने का ताकत कम, चिंता करने नहीं देता है, गलत निर्णय करता है, एक तरफ मंगल हाई हिट कर रहा है, उग्रता लेके चल रहा है, और एक तरफ यहाँ सूर्य जैसे फायरी, और मेन फैक्टर यहाँ अमावस्या। बाकी
हाँ, एक जरूर एक संभाव्य सुरक्षा ये है कि कोई बहुत पास पास तो नहीं चल रहे, बहुत क्लोज कंजक्शन खाली मंगल बुध का ही कहा जाएगा तो कहा जाएगा, लेकिन वो भी दोनों एक सही डिस्टेंस में लेके चल रहे, एकदम ऐसा ऐसा करके नहीं चल रहे। तो यहाँ कौन चलेगा? सूर्य और चंद्रमा। तो चंद्रमा तो आप समझे हैं, चंद्रमा माने मन, चंद्रमा माने पानी, चंद्रमा माने डेस 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 जितना सारा। और फिर इस सूर्य चंद्रमा के युति के बाद फिर पक्ष परिवर्तन हो जाएगा। तो ये 15 दिन तक उसका इम्पैक्ट धीरे 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 घटते घटते जाएगा। प्रभाव फल एक, सबसे पहले सोचने समझने में कमी होना, गलत निर्णय होना, और एक प्रकार के परिवर्तन जिंदगी में परिवर्तन, और ये साल भर तक का इसका इफेक्ट, कुछ ऐसे परिवर्तन जिसका गुड भी इफेक्ट रहेगा बेड भी इफेक्ट रहेगा। लेकिन मैं यहाँ मकरू वालों को आगाह करना चाहता हूँ कि दो इवेंट इस इनमें रहने वाला है। एक तो गुप्त नवरात्र 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, माता सरस्वती का भी पूजा है, लेकिन इस अमावस्या का रात माँ काली के लिए सबसे उपयोग है। और मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सबको कि इस रात को जाया जाने नहीं दें, मकर के ऊपर अमावस्या, और ऐसे ही मकर राशि तो है काली का, माँ काली का घर, और खाली माँ काली नहीं, नृसिंह हुदस्थले निवासिनी माँ दक्षिणा काली के कहा गया है। तो इस देखो है बेड रिजल्ट नो डाउट, लेकिन अगर आप ये दो चीज़ करते हो, एक तो सरस्वती, मैं तो उसके ऊपर वीडियो देने वाला हूँ सरस्वती साधना के ऊपर, हर एक मकरू के बच्चों को एक वीडियो का इंतजार करिए, माँ सरस्वती साधना दीक्षा मंत्र प्रारंभ, इस सरस्वती से आप जरूर करिए, सारे बच्चों को कराइए, एक साल करके देख लो। गधे बच्चे भी अगर कालिदास जैसे महापंडित नहीं होते, मेरे को बोलना, लेकिन गुरु चाहिए, सही दीक्षा चाहिए, मंत्र निर्णय अच्छा होना चाहिए बच्चों के लिए। गुरु के पास जब जाओगे तो दक्षिणा के साथ जाओगे, हवन सामग्री, देखो सांस्कृतिक विधान क्या है, हवन सामग्री समिधा के साथ स्वदक्षिणा सहित न गुरु दीक्षा ग्रहण करो। तो वो विधान के साथ आसपास कोई भी देख लीजिए सरस्वती का साधक रहेगा जरूर, ऐसा धरती में सरस्वती साधक रिक्त नहीं हुआ है, माँ सरस्वती के हर जगह में साधक है। और सबसे ज़्यादा साधक तो मैं उड़ीसा में पाता हूँ, प्रचंड बागदेवी बागेश्वरी माँ बाग, हमारे उड़ीसा में बहुत बड़ा माँ बागदेवी का बहुत बड़ा साधना, जिसका हिस्ट्री ज्योग्राफी बोलूँ तो दिमाग आउट हो जाएगा। जहाँ से निकलते हैं हमारे महाकवि भंज साहित्य, नेट में ढूंढ लेना भंज साहित्य क्या है, तो ऐसा लेख कोई नहीं लिखा हो, प्रचंड लेख है उनका, डबल मीनिंग का भी लिखते हैं, सिंगल प्रचंड साहित्य है, पर कवि तो क्या कहें उनको, कवि सम्राट उपेंद्र भंज का उपाधि मिला था, कवि और कवियों का सम्राट, और थे राजा का बेटा, और साधना करते करते कभी सम्राट बन गया। तो चलिए यहाँ बिंदु वो नहीं है, यहाँ बिंदु है काली पूजा अमावस्या का रात। बहुत समझाया हूँ यहाँ पर, और ज़्यादा समझा के मेरा पंडित्य लेना नहीं चाहता हूँ, आप लोगों के मतानुसार कोशिश करता हूँ छोटा वीडियो देने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर बहुत एक्सप्लेनेशन तो नहीं कर रहा, इतना ही एक्सप्लेनेशन पे बात को समाप्त करता हूँ कि इस रात को माँ काली का कोशिश करके 108 से लेके 1008 आहुति आप जो मंत्र जानते हो, और जो लोग दीक्षित हैं गुरु दीक्षा काली साधक के अंडर में चल रहे हैं उनके आज्ञा अनुसार करिए। हर नेगेटिव फल को काटने का दम ये रखता है, यानी अगला एक साल तक आप चेक करके देख लेना क्या क्या रिवार्ड एवार्ड बोनस मान सम्मान का प्राप्ति हो रहा है। उनको कह रहा हूँ जो लोग कंटिन्यू काली का साधना कर रहे हैं, और उनको कह रहा हूँ जो लोग कभी कभार करते हैं, या कभी काली मंदिर चले गए, कभी डाल दिए, कभी नहीं डाले, कभी जप कर लिए, कभी नहीं किए, ये लोग भी हैं, ठीक है, माँ के लिए तो सब भक्त है ना, या ऐसा थोड़ी एक डेली जो करेगा वही मेरा प्यारा भक्त है जो कभी नहीं करता, लेकिन सभी को आम का लकड़ी ले आना, शुद्ध देसी गाय का गोबर का कंडा ले आना,
शुद्ध देसी गोबर, गाय का घी मिल जाए, नहीं मिले तो बोलना, अगर हम लोगों का थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट है, आप लोग कम दाम में देख लो, आपके आसपास मिल जाए तो। लौंग, बतासे, इलायची दाना, चीनी का गोली नहीं, इलायची, जायफल, गुगुल, झोना, झोनी, ये भी हर जगह नहीं मिलता ओरिजिनल, हमारे पास ही स्टॉक है। हमारे उड़ीसा में सालगज ज़्यादा है तो उनसे ज़्यादा निकलता है। गच कपूर, और उसमें डालोगे चंदन, अगरू इत्यादि इत्यादि, अष्टगन, ये सब डाल के घी और जौ, तिल, साबुत देसी चावल ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम डालते हैं, चावल हवन में डालने से दरिद्र दोष लगता है, कम देना है, थोड़ा हल्दी और देसी फल जो अवेलेबल है इस समय, करमंगा अवेलेबल है, थोड़ा करमंगा फल खट्टा होता है, मीठा वाला देख के, और गुड़, मधु थोड़ा सा इस प्रकार डाल के हवन सामग्री बनाओ। आम का लकड़ी गोल गोल बढ़िया, अगर अहिंसक लकड़ी मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो मेरे को बोलना, मेरा बहुत बड़ा जंगल है आम का, हम भेजते हैं अहिंसक लकड़ी, जो अपने से टूटा हुआ लकड़ी होता है, काट के नहीं। तो अभी टाइम है, करिए, चमत्कार रिजल्ट मिलेगा अमावस्या का रात। और कुंभ वालों को भी बोल रहा हूँ, आपके लिए भी, क्योंकि लॉस हाउस में हो रहा है, बड़े सारे लॉस और खर्चा घर आएगा, और बहुत सारे कुंभ वाले अभी बीमार चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत इफेक्टिव रहेगा। प्री इफेक्ट चालू हो गए, आगे चल के कुंभ वालों का शनि मंगल, शनि सूर्य का युति में बीमारी दिखाई दे रहा है, चतुर्ग्रह योग, अमावस्या, ये भी सारे कंडीशन हैं, लेकिन सबको होगा नहीं है, कुछ लोगों को होगा, डिपेंड अपन देयर कुंडली। तो थोड़ा सा सावधानी के साथ रहना और ये सब कर देना चाहिए। और फिर से कह रहा हूँ, सरस्वती, इस बार से सरस्वती साधना पक्का। देखो भाई, गरीब वो हैं जिनके पास बहुत पैसा होने के बावजूद गरीब हैं, बहुत सारे पैसा है लेके डुबा देते हैं, सडन डाउनफॉल आ रहा है, एक बड़ा सा सीरीज, मनुष्य जीवन के 108 समस्या और समाधान, ऑलरेडी करीब करीब 30-40 वीडियो कास्ट कर दिया हूँ, एक साथ मैं पब्लिश कर दूँगा, 108 हो जाने से या उससे पहले भी कम से कम 25-26 एक या 51 तक मैं एक एक सीरीज में कर लूँगा। तो ये सरस्वती साधना, एक प्रचंड ज्ञान उदय होगा तो धन बर्बाद नहीं होगा, ऋण से मुक्ति होता है, ज्ञान विहीना पशु भी समाना। और सरस्वती माता का साधना, सरस्वती पूजा में शुरू करिए, जितना दम है, एकाक्षरी से लेके, पंचाक्षरी से लेके, 24 अक्षरी से लेके, माँ सरस्वती का वैदिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, या जो जानते हो, ठीक है, तो ये करना है। और इस कंजक्शन का देखो नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादातर दिखाई दे रहा है, मिथुन का अष्टम में होगा उनको आएगा, कुंभ का द्वादश में होगा इनको होगा, आपके ऊपर भी हो सकता है। जो क्या हो सकता है, देखो मैं बार बार आगाह करता हूँ, आवेश, भूत पकड़ना जैसे लगना, रात को कोई दबा दिया जैसे लगना, कोई ऊपरी हवा लग गया जैसे लगना, कोई खींच रहा है जैसे लगना, कोई खड़ा है जैसे लगेगा। देखो ये कोई भूत प्रेत के साथ डांचर भी नहीं होता, मैं बड़ा विरोधी हूँ, आप सबको पता है, ये सारा केमिकल लोचा होता है। और जब अमावस्या होता है तो ब्रेन से जो वाटर प्रेशर एंड ये जो माध्याकर्षण शक्ति और विकर्षण, महाकर्षण शक्ति और विकर्षण, हम जानते होंगे, दोनों एक जगह में एनर्जी आने के कारण हमारे सोचने समझने का क्षमता में कमी होता है। और दूसरा क्या, जैसे सोचो, इनको इनका इनका इफेक्ट सभी को होता है, लड़कियों को, बच्चों को ज़्यादा होता है, और उन महिलाओं को जो लोग शादीशुदा नहीं है, क्या होता है, जो शादीशुदा महिला रहते हैं वो एक सामान्य जीवन जी लेते हैं, जो अनमेरिड हैं, अच्छा बहुत से घर में ऐसे भी लड़कियां हैं जो शादी नहीं कर पाए हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल हो गया, पड़ी है, तो और देखना उनका फिजिकल ग्रोथ धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, बूढ़ी जल्दी जल्दी होने लगते हैं। देखो लड़कियां छोटे, दो, एक लड़का एक लड़की एक साथ जन्म हुई जो हुए हों, तो देखना लड़की का ग्रोथ जल्दी हो जाता है, लड़का का लेट में होता है,
लड़की जल्दी जवान हो जाती है क्योंकि उसको प्रोडक्टिव करना है, लड़का लेट में जवान होता है। इसीलिए सेम क्लास का लड़का लड़की में देखना, शादी उदी में फंसाने वसाने में, लड़की उड़की पटाने उठाने में इनका सेटिंग नहीं बैठता है। तो एक तो अलग विषय है, मैं इसको यहाँ काट लिया। अब इसे समझाने जाऊँ तो बोलोगे फिर इसको ड्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट, लड़कियों में जो अनमेरिड होकर घर में पड़ी हुई हैं, इनका डिसऑर्डर होना, सूख जाना, उनके बॉडी फिजिकल लेवल पे ड्राई आउट हो जाना, तो देखना सडन एकदम बड़े एक ओगली जैसे दिखाई देंगे, या सूख गया, आँख घुस गया, मुंह ऐसे पचक गया, बालू पक गया, एक भूतनी जैसे दिखाई दी। ये लड़कों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं खाली लड़की के साथ होता है। फिर से कोई बोलेगा लड़की के विरुद्ध में बोलती हो गुरु जी, तो राम बोलो, काहे बोले दोनों को बोल रहा हूँ, फिर उन्हें बोलना कि हम लोग का खाली बोल रहा नहीं। डी जनरेशन फिजिकल हुआ तो बताओ ब्रेन का होगा कि नहीं। तो देखना इस उम्र में लड़कियाँ अनमेरिड और ऐसे दुर्योग में हों और वो सूखती जा रही हैं, ड्राई होते जा रहे हैं, सब कुछ सिकुड़ रहा है बॉडी का, फिजिकल अंग वगैरह, तो उनके अंदर एक अलग नासमझी, एक अलग उग्रता, एक अलग प्रकार का क्रोध, एक अलग प्रकार का क्या बोलते हैं एरोगेंस, एक अलग प्रकार का जिद्दीपना, एक अलग प्रकार का क्रोध, एक अलग प्रकार का अतृप्तता बढ़ने लगता है। तो जिसके कारण उनके अंदर वो जो ब्रेन धीरे धीरे जैसे बाहर सूख रहा है, तो ब्रेन भी धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा, उसके पानी, उसके बॉडी के फ्लूइड, उसके केमिकल, उसके हार्मोन्स, तो उसका दुष्प्रभाव इस अमावस्या में, पूर्णिमा में, संक्रांति में, ग्रहण के समय इनके ऊपर ज़्यादा हिट हो जाता है। तो उनको जो नहीं दिखना चाहिए वही दिखता है, जो नहीं समझना चाहिए वही समझते हैं। ऐसे है मेरे पास, ऐसे नहीं हवा में, मेरे पास जो मेरा लेबोरेटरी मंकी है, एक तो मकुरी है, तो उसको मैं 21 साल से जज करते करते आ रहा हूँ, और मेरा डे बेचारी ऐसे ही, तो जैसे जैसे डिजनरेट हो रहा है। अच्छा, ऐसे और भी बेटे लड़कियाँ महिलाएँ मेरे पास आती हैं या विधवा भी हो गई आती हैं, तो उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होता है और मेरे को फ़ोन करके ये लोग फुकवाते हैं, मैं भी फूकता हूँ। नहीं, आप तो नहीं मानते, नहीं विश्वास करते, फिर क्यों फूकते हैं? देखो मंत्र कैसा, आस कुटी बास कुटी कुकड़ा लंडी, मंत्र का अर्थ जानते हो? कोई नहीं, बेकार का है। ठीक है, मेरा दादाजी सिखाया था, देखो ऐसे कोई आएगा तो ऐसे ही झूठो मंत्र करना और फूक देना। अच्छा, इस मंत्र से लोग ठीक भी हो जाते हैं, बोला ठीक लगा, बोला और थोड़ा आस कुटी बास कुटी कुकड़ा लंडी देख, और थोड़ा सा ठीक लग रहा था उसमें, उनको नहीं पता कि मंत्र क्या बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इतना स्पीड में बोलते हैं हेलोसिनेटेड डिजीज, वो लोग विश्वास करते हैं, विश्वास का खेल है। ठीक है, कर देते, अब उसको कौन काली मंत्र लगाए और इसी में ठीक हो जाए। ये जैसे मैं बोलता हूँ ना कि आपके ज़िंदगी में समस्या है तो गुरु के चरण में जाओ, और गुरु का आभा मंडल और गुरु का ओरा, गुरु का जो तत्व है आपके शरीर से इस प्रकार के ग्राह्य तत्वों को हील करके निकाल के ले लेता है, और आप इस प्रकार के ग्राहिक नेगेटिव इफेक्ट से बाहर आ जाते हो। ठीक ऐसा ही है, ओरा और बॉडी का जो आभा मंडल है ये इस समय बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन पे चलता है, तो ये इसका मेन मुद्दा था। अमावस्या होना यहाँ पर और आगे चल के कंडीशन बड़े सारे खर्चे को दर्ज कर रहा है, बिना फालतू का खर्चा और परेशानी। कुछ देखना इस समय बड़े सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं, ज़्यादातर कुंभ मिथुन का होने का है, मकरू का भी कुछ लोगों को ही होने है, सर में चोट लग सकता है, ये दिखाई दे रहा है। इस अमावस्या का एक दूसरा इफेक्ट है कि चोरी कुछ ना कुछ हो सकता है। तो चौथा यह है कि बॉडी का नर्व्स काम नहीं देगा तो हाथ से कुछ चीज़ गिर सकता है, स्टेबिलिटी नहीं, तनाव बढ़ सकता है, बड़े सारे तनाव बढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भी सावधान, मतलब हड़बड़ी और इस प्रकार का कंडीशन मानसिक लेवल। और मेरा अनुरोध रहेगा कि जब तक ये अमावस्या कम्प्लीट होके मेष चंद्रमा नहीं होता है, बड़े सारे टेक्निकल डिसीजंस इस समय नहीं लेना है। टेक्निकल डिसीजन में आप बड़े सारे गलती करोगे। नेक्स्ट बिंदु है, किसी भी पेपर कागजात में बिना पढ़े लिखे साइन नहीं करना। पांचवा, इस समय जो भी कोई पैसा आपसे लेगा वापस नहीं देगा, तो पैसा अगर देना भी है, मकरू वाले तो ऐसे ही समाज से भी हैं, बड़े सारे तो रहते हैं मदर टेरेसा टाइप, तो इस समय नहीं देना, वापस नहीं आएगा। अच्छा,
कुछ लोग जिंदगी से दूर होंगे, कुछ लोग नया आएंगे। एक ऐसा सिम्टम बता रहा है जो 20 साल 30 साल पहले आपसे बिछड़ा था, दिख जाए या तो क्लोज आ सकता है। इस अमावस्या में और एक इफेक्ट है, कुछ लूटखोर कुछ लतखोर भी आ सकते हैं, उनसे बचे, ये जरूरी है, और भी नुकसान कर देंगे वो लोग। इस घर का अमावस्या होके आगे चलेंगे जब सूर्य और चंद्रमा और बाकी लोग, क्योंकि भाग जाएंगे सूर्य तो यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले हैं ना, मकर संक्रमण मकर घर में, तो जब भागेंगे अष्टमाधिपति सेकंड में गया, फेस इंपैक्ट कई लोगों का गिर चुका होगा, फेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, या आँख में या कान में या नाक में, या आँख में कुछ जलन सा सूजन सा, कान में कुछ खुजली सा, छोटे छोटे इफेक्ट, किसको ज़्यादा बड़ा इफेक्ट होगा, तो ऐसे कुछ इसका दांत प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो इन इफेक्ट को थोड़ा सा रहना। नेक्स्ट इस अमावस्या में आखिरी बिंदु जो बोलने के लिए आ रहा हूँ वो है, जरूर अमावस्या साथ स्नान संक्रांति स्नान। देखो एक साल से आप किए नहीं किए अलग बात, लेकिन मकरू वालों को इस संक्रांति अमावस्या में पक्का करना है, वही चीज कुंभ वालों को भी करना है, वही चीज मीन को भी करना है। इस इफेक्ट से कुंभ वालों को क्या होगा, द्वादश स्थान में हो रहा है, घर के बेडरूम में हो रहा है, तो बेडरूम को संभालना चाहिए, हॉस्पिटल। अब एक तो कुंभ वाले ऑलरेडी पाप कर्तरी में फंसे हैं, वेरी डेंजर जोन, कई सारे केस उघड़ेंगे कोर्ट कचहरी, और ये जो इम्पैक्ट बताया, प्रेत बाधा भूत, किसी को मानसिक तालता, गलत डिसीजन, खर्चा का मात्रा बढ़ना, इनके साथ इस कंडीशन में, अब इसके साथ एक बात जरूर, कि ये एक कंडीशन बनता है जहाँ पुराने कोर्ट कचहरी माली मकदमा या फिर कोई ऐसे मित्र बंधु जिसके माध्यम से खर्चा का वृद्धि हो सकता है। मीन को चिंता नहीं करना है क्योंकि एकादश स्थान में है, लेकिन मीन वालों को मकर और कुंभ से ज्यादा चिंता करना है। दिख रहा है कि बड़ा जोर से झटका धीरे से लगे होगा, क्योंकि यहां तो लाभ स्थान में लाभ दे देंगे और तुरंत जाके फिर द्वादश स्थान में सब घितला के एकदम कचड़ा करके रख देंगे। तो इसलिए मीन वालों को ओवर कॉन्फिडेंस से बचना बड़ा जरूरी बनता है। ये मकर घर का बताया, कुंभ का बताया, मीन का बता रहा हूं, बस केवल और केवल ओवर कॉन्फिडेंस के फैक्टर से बचें, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपको इस प्रकार का इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इस समय क्या होगा, अच्छे अच्छे फल तो मिल जाएंगे, मिलेंगे तो क्या खाक होगा, ऑलरेडी लॉस हाउस सुपर एक्टिवेट होके पड़ा हुआ है, इधर लाभ भी हो रहा है उधर खर्चा भी हो रहा है, इधर लाभ भी हो रहा है लेकिन लाभ होने के लिए हुआ भी लेकिन किसी काम का नहीं होगा, ऐसे क्यों? आगे का घर में जब भी यहाँ लाभ का घर एक्टिवेट कराएगा, उससे ठीक आगे के घर में ये दोनों बैठे हुए बैठेंगे, तो उस कंडीशन में आया राम और गया राम बन जाएगा। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सावधानी के साथ रहना चाहिए, लेकिन ये जरूर दिख रहा है बहुत सारे मीन वालों को कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति, अच्छे भोजन प्राप्ति, वस्त्र प्राप्ति और कई प्रकार के ऑफर्स, कई प्रकार के नए नूतन द्रव्य वस्तु प्राप्ति का संभावना। लेकिन याद रखना, साढ़े साथी में जो वस्तु प्राप्त होते हैं नॉट गुड रहता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी जरूर रहता है। मेरे साढ़े साथी के समय में मैं कई बार देखा हूँ, नदी में घूमता रहूँगा, सोने का सिक्का, तांबे का सिक्का, कोई डब्बा, कोई सिंदूर, कोई पत्थर, कोई दुर्मूल्य चीज, ऐसे ऐसे दुर्मूल्य चीज, कई रुद्राक्ष भी मिला है, मैं उस समय नहीं उठाता, सुना भी, क्योंकि हमारे नदी में तो साथ में मंदिर है, तो बहुत लोग आके ला के क्या करते हैं, सब विसर्जन कर देते हैं। और उसी नदी में मैं त्रिवेणी संगम में हूँ, तो पूरा नदी का आउटपुट, मतलब सोच लो कि 1000 किलोमीटर नदी चला है बिहार हो के उधर, तो वहाँ से जितना सारा आके कहाँ मिलेगा, आखिरी में यहीं पर आके स्टॉक होता है। मैं जिस जगह में करता हूँ वो 3 नदी का संगम है, और वहाँ से नदी आके मिला है वहीं, तो मैं उस समय नहीं उठाता, आप लोग भी नहीं उठाना। ऐसे चीज़ दिखाई दे रहा है, कहीं भी मिल सकता है, रास्ता में चल के जाते रहोगे, कहीं 10 पैसे पड़ा हुआ है, आप बोलोगे तो खोटा सिक्का है, खोटा सिक्का बोल के नहीं, इसका लाना बड़ा खतरा होता है। इस साढ़े साथी के समय, साढ़े साथी नहीं होता तो मना करता, देखना कई सारों का फोन आएगा कि द्रव्य प्राप्ति मिला हुआ है बोल के, बी अलर्ट फॉर दिस। और मैं जब भी ऐसा कुछ देखता हूँ तो गुरुजी को फोन करता हूँ, बोला निकालो
इसका निर्णय करो, द्रव्य निर्णय करो क्या होने वाला है। ऐसे कोई भी एलिमेंट जो आपके सामने नहीं दिखने वाला चीज़ दिखा तो जरूर इसका द्रव्य निर्णय करा लेना चाहिए। ऐसे चीज कहीं इंसान का खोपड़ी सिंदूर लगा के बैठ मिला, कहीं पर तांबे का मतलब 1884 का पैसा मिल गया, कहीं पर एक तो सोने का कोई सांप मिल गया, क्योंकि कालसर्प में सोने का सांप विसर्जन करते हैं। अब खाली पंडित होगा तो लोभ लगेगा कि सोने का सांप है, पीतल का सांप मिल गया, मूर्ति मिल गई, बढ़िया बढ़िया मूर्ति एकदम तैर के वहाँ से आके मिट्टी में गड़ा रहता है, मैं वहाँ दौड़ते रहता हूँ, मिलता है। मैं दूसरों को बता देता हूँ, देखो वहाँ गिरा है, मैं नहीं लेता। तो ये एक ऐसा योग है जहाँ कुछ ना कुछ, इवन इफ किसी जंगल झाड़ पहाड़ पर्वत रोड के किनारे कुछ पड़े हो, कहीं गिरा हुआ उठा हुआ, नहीं उठाना। धन्यवाद, नमस्कार।